बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन पराठा रोल, जिसको बनाना बहुत इजी है। आप इसे डिनर में और लंच दोनों में खा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास तकरीबन हाफ के जी से ज़्यादा चिकन है, तो इसको मैरिनेट कर देते हैं। और दो ही स्पाइसेस से मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून हमारे पास साल्ट है, 1 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है। दोनों ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने साल्ट और पेपर से इसे मैरिनेट कर दिया है। ये हमारे पास मैदा है 2 कप, इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसमें कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून हमारे पास गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास ओनियन पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून हमारे पास साल्ट है, 1 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है। और अगर आपके पास ये पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप गार्लिक पाउडर डाल दीजिए 1 टीस्पून, और ओनियन को आप स्किप कर सकते हैं। अभी इनको मिक्स कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट भी मिक्स हो गए हैं और ये हमारी चिकन भी मैरिनेट हो गई है। अभी 1/3 हमने तैयारी करनी है एग्स की। एग हमारे पास है 4 एग लिए मैंने। इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। मैंने अंदाजे से डाला है और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा या 2 टेबल स्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। वैसे भी ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है हॉट सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एग में हॉट सॉस को चिली सॉस को मैंने मिक्स कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, चिकन को एग में डालना है। थोड़ा ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ी और ऐड करते हैं। ये बहुत ही अच्छी है और ख़ासतौर पे लंच डिनर दोनों में खाई जा सकती है। बच्चों को आप लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे रोल हैं ये और बहुत इजी झटपट बन जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये जो हमारी चिकन है ये एग में काफ़ी हद तक हो चुकी है सोख, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे और हम मैदे में डाल देंगे। ये एक ईजी वे है मैस से बचने के लिए, वरना आपको पता है हाथ काफ़ी मैसी से हो जाते हैं इन दोनों को एक दूसरे में। अभी ये एग में से हो चुकी है, अभी इसने सिर्फ मैदे में जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एग से निकाल के इसे मैंने पाउडर फॉर्म में ऐड कर दिया चिकन को। अभी हम जो बाकी चिकन रह गया उसको भी एग में से गुजार के तो इसमें डाल देते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी चिकन भी जो है मैंने एग में ऐड कर दी है। जब तक हम इसे करते हैं तो हम इस पर अच्छी तरह से मैदा लगा लेंगे और सेम इसी तरह करना है जैसे हम आटा गूंथते हैं। तो इस तरह थोड़ा दबाना है अपनी चिकन को ताकि तमाम कोटिंग जो है वो मैदे की चिकन पे हो जाए। ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं सेम ऐसे ही दबा दबा के करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारी चिकन जो है इसे काफ़ी मसल मसल के हमने इसे आटा लगा दिया है। और अभी क्या करेंगे, अभी हमने पैन रखा है उसमें मैंने तकरीबन 8-9 टेबलस्पून ऑयल डाला है, तो इसमें अभी चिकन ऐड करना स्टार्ट करते हैं। मैंने स्ट्रिप्स में ये पीसेस कुछ काटे हैं, कुछ छोटे काटे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस स्टाइल में मर्ज़ी काटी है। इस तरह सारे रोल डाल लेंगे और एक साइड से 3 मिनट तक पकाएंगे, फिर दूसरी साइड से 3 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह 6-7 मिनट इन्हें लगेंगे क्योंकि ये ब्रेस्ट के पीसीज हैं और उन्हें टाइम काफ़ी कम लगता है, और ये जो जल्दी ये पक जाएंगे। और अभी 3 मिनट तक हमें इसे बिल्कुल टच नहीं करना,
ताकि इसकी कोटिंग उतरे नहीं। बस इस तरह करेंगे, क्राउडेड ज़्यादा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं 3 मिनट बाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 3 मिनट हो गए हैं और देखें ये नीचे से क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम इसे भी टर्न करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए मैंने टर्न कर लिया है। अभी इसे 3-4 मिनट या 5 मिनट तक पकने देंगे और फिर इंशाल्लाह इसका लुक दिखाती हूँ मैं, और बाकी को भी ऐसे मैं सारा को फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें झटपट हमने अपनी चिकन, क्रिस्पी चिकन रेडी कर लिया है। इधर मैंने लच्छेदार पराठे रेडी किए हैं, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, इंशाल्लाह आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ये सैलेड में लिया मैंने ओनियन, टमाटर और कुकम्बर है, और बाकी ये मैं एक इसके सॉस बना रही हूँ। ये हाफ़ हमारे पास मेयोनीज है और हाफ हमारे पास योगर्ट है, तो इसमें तकरीबन थोड़ा सा मैं डालूँगी गार्लिक का पाउडर, थोड़ा सा। ये रंच सॉस में बना रही हूँ, इसकी मैं रेसिपी अपने चैनल पर दी हुई है, और ये थोड़ा सा ओरिगैनो। बस सिंपल था इसको बनाना, तो अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी हम अपना रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा रोल, एक पराठा लेंगे, देखें कितना क्रिस्पी क्रंची पराठा है। अभी इसमें हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे, इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। अभी हम इसमें थोड़ा ओनियन, टमाटर, कुकम्बर, ऐसे लंबा लंबा मैंने काटा है, तो इसी तरह डाल देंगे। अभी हम ये जो रंच सॉस बनाया हमने, ये ड्रिजल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए हमारा एक रोल तैयार हो गया है। मैंने पिक की इसमें से, इसमें डगल लगा दिया एक, और देखिए कितना मज़ेदार रोल तैयार हुआ है। इस तरह बाकी भी रोल तैयार कर लूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए हमारे बहुत अच्छे क्रिस्पी चिकन पराठा रोल रेडी हो चुके हैं, और ये साथ मैंने चिकन रखी है, इसके क्रिस्पी चिकन रखी है, साथ सैलेट है, साथ रंच सॉस है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझे बताया करें कि कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जाइए फटाफट बनाइए इस रेसिपी को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।